निकालने में आगे बढ़ सके, इसी पर बात चलती रही। थोड़ा बहुत बात एमएसपी पर भी हुई, लेकिन आज हम कोई निर्णय तक नहीं पहुंच सके, और इसलिए यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर तय किया कि 8 तारीख को पुनः 2 बजे बैठेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चर्चा में स्वाभाविक रूप से माहौल अच्छा था, लेकिन एक्ट रिपील पर अड़े रहने के कारण कोई रास्ता बन नहीं पाया। लेकिन मुझे आशा है कि जिस प्रकार की बातचीत आज हुई है, उस हिसाब से अगली बैठक में सार्थक चर्चा होगी और संभवतः हम लोग समाधान तक पहुंच पाएंगे। किसान लोग बोल रहे हैं कि हम सरकार के ऊपर भरोसा नहीं करते, सरकार हमें ऐसे कुछ नहीं करती, सरकार हमें ऐसे कुछ नहीं करती। देखिए, अगर सरकार पर भरोसा नहीं होता तो 8 तारीख की बैठक क्यों तय होती? सरकार और यूनियन दोनों की रजामंदी के कारण ही 8 तारीख की बैठक तय हुई है। इसका मतलब किसानों का भरोसा सरकार पर है और सरकार के मन में किसानों के प्रति सम्मान और संवेदना है। सर, बैठक से बाहर आने के बाद किसानों ने कहा है आपसे एक डिसीजन लेने के लिए, आपसे एक नेगोशिएशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, क्या किसान कितना कमिटेड है आपसे फाइनल डिसीजन लेने के लिए? नहीं, मैं समझता हूँ चर्चा जिस हिसाब से चल रही है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि कुल मिला के किसानों की मान्यता ये है कि सरकार इसका रास्ता ढूंढे और हम सब लोगों को आंदोलन समाप्त करने का अवसर दे। सर, लगभग आगे फाइनल डिसीजन लेने की बात थी सर, 4 तारीख को हम भी ये चीज सोच रहे थे और किसान भी इसी मुख्य शिकायत, लेकिन फिर 8 तारीख की डेट मिल गई, इसकी क्या गारंटी है कि 8 तारीख के बाद फिर 14 तारीख की डेट न मिले, अगली डेट न मिले? देखिए, आप कुछ भी सोचने के लिए स्वतंत्र हो, लेकिन मैं कुछ भी सोचने के लिए स्वतंत्र नहीं हूँ। इसलिए जब इस प्रकार के विषय होते हैं तो निश्चित रूप से चर्चा के कई दौर करना पड़ते हैं, समस्या के कानूनी पहलुओं को भी ध्यान में रखना पड़ता है, पूरे देश को भी ध्यान में रखना पड़ता है। देश में करोड़ों किसान हैं, उनकी अपनी भावनाएं हैं, उनके कानून के लाभ और हानि और हित उससे जुड़े हुए हैं, तो सरकार तो देश भर के किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है ना। तो सरकार को जब कोई निर्णय करना है तो निश्चित रूप से सारे देश को ध्यान में रखकर ही निर्णय करेगी सर। आपने किसानों से कहा है कि 8 तारीख को जो बैठक होगी उसमें किसानों का कोई कानून वापस कैसे लिया जाए इस पर नहीं, क्या ऐसा जो किसान कह रहे हैं वो ऐसा सही है? देखिए, दरअसल क्या है, जब चर्चा होती है विषय दो ही है मुख्य रूप से, कानून और MSP, तो चर्चा मैं बीच बीच में चर्चा आगे बढ़ती है फिर पीछे जाती है, फिर आगे बढ़ती है फिर पीछे जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कुछ इस प्रकार से कहा हो, लेकिन कुल मिला के चर्चा ठीक वातावरण में हुई और दोनों तरफ से उत्सुकता है कि जल्दी से जल्दी इसका समाधान निकले। देखिए, दरअसल क्या है कि सरकार ने कानून बनाया है और सरकार ने कानून बनाया है तो किसान के समग्र हित को ध्यान में रखकर ही कानून बनाया है, लेकिन किसान के प्रति भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व पूरी तरह संवेदनशील है। जब किसान आंदोलन पर हैं और सरकार किसान यूनियन के साथ चर्चा कर रही है तो हमारी अपेक्षा है कि यूनियन की तरफ से वो विषय आए जिस विषय में किसान को कोई परेशानी होने वाली है, तो सरकार खुले मन से उस पर विचार करने को तैयार है। 40 दिन हो गए हैं, 7 मीटिंग हो गई है, अभी तक कुछ रेजोल्यूशन निकल करके नहीं आया, तो क्या स्ट्रैटेजी गवर्नमेंट की गलत है या फार्मर्स रिलक्टेंट है कि वो बैकडाउन नहीं करेंगे? अभी अगर आप बता पाए, अभी 8 तारीख को 2 बजे बैठक होगी, उसमें चर्चा आगे बढ़ेगी।